सो हेलो जी, वेलकम बैक टू फादर नेशन। में देखिए आप सब ठीक होंगे। तो भैया आज हम रिएक्शन देने वाले हैं एक वीडियो के ऊपर जो जीडीपी ग्रोथ रेट की बात करेंगे 1962-2019 के बारे में। मतलब उसमें ही बताएंगे कि कौन सी कंट्री का जीडीपी कहां से कहां तक गया है 1960 से लेके 2019 तक। पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका एंड बांग्लादेश सबकी जीडीपी बताएंगे कहां से कहां तक गई है 1960 से लेके 2019 तक। किसकी जीडीपी कहां तक गई हम इसके ऊपर हम रिएक्शन देंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएगी। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में चेक आउट कर सकते हो, साथ में मेरा ब्लॉग चला है तो उसको भी देख सकते हो। कंपैरिजन जीडीपी का कि कौन सी कंट्री कहां से ले गई है 1960 से लेके 2019 तक अगर देखा जाए तो काफी सारी डेवलपमेंट की है। नेपाल ने भी की है, पाकिस्तान ने भी, इंडिया ने भी, काफी सारी कंट्रीज में की है। अगर इसमें आप अगर बात करें इस टाइम पे तो इस टाइम पे बांग्लादेश सबसे आगे है और बांग्लादेश की जीडीपी ग्रोथ परसेंटेज है सबसे आगे, नेपाल पाकिस्तान सबसे आगे नंबर सेकंड पे सबसे आगे है। उसके बाद जो है ना नेपाल है, फिर मालदीव, फिर इंडिया, फिर पाकिस्तान। पाकिस्तान सबसे आगे था, सबसे पीछे आ गया क्योंकि उनके पाकिस्तान की गवर्नमेंट की हालत ऐसी ख़राब हो गई है कि क्या बताए इस टाइम पर आपको पाकिस्तान की। आपकी गवर्नमेंट जो है ये थोड़ी बहुत फिर भी स्टेबलेशन कर रही है कंट्री के लिए, कंट्री के लिए काम कर रही है, बट इससे पहले कि कोई भी कंट्री के लिए काम नहीं कर रहा था। अगर नेपाल की बात करें तो नेपाल भी काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट जारी है इस टाइम पर। नेपाल में काफ़ी सारी चीज़ें आई है जिसमें से ट्रेन आया, फिर भी इनकी जीडीपी ग्रोथ जो है ना पाकिस्तान से काफ़ी आगे है। जहाँ पाकिस्तान की अगर देखा जाए तो 18-20 करोड़ आबादी है और जहाँ नेपाल की देखा जाए 3 करोड़, फिर भी इनकी जीडीपी काफ़ी आ गया। ये कंपैरिजन आप लोग कैसा लगा अपनी राय बता सकते हैं। उम्मीद है कि पसंद आएगा। पसंद है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेक इट आउट कर सकते हैं।